हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं इमरान सैफी। दोस्तों, आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं और हमारे इस उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों को मैं आज समझाने जा रहा हूँ। ये किसान जो हमारी जो उत्तर प्रदेश मतलब पूरे भारत वर्ष के अंदर जो हमारे लिए क्रॉप्स मतलब हमारे लिए खेती उगाते हैं और हमारे लिए अन्न उत्पादन करते हैं, मैं आज उनको बहुत महत्व मैं बताने जा रहा हूँ। जो हमारा रासायनिक दवाई होती है मतलब पेस्टिसाइड का जो हमारी जो भूमि है जो हमारी सोयल है उस पर क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो साइड इफ़ेक्ट आज जो हमारा जो हमारी भूमि पे जो पड़ रहा है वो बहुत ही शुभ नहीं है, दुख की बात है। दुख इसलिए होता है क्योंकि आज जो किसान हैं वो एक 1 ईयर्स के अंदर कई कई फसल का उत्पादन कर रहा है। फसल का उत्पादन इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक लालची हो चुका है, क्योंकि उसको फसल से उसको लेना देना नहीं है, उसको एक मनी एक पैसे से उसने अपना एक संबंध बना दिया है। जब हमारा दीर्घकाल या भूतकाल पहले हमारे जब खेती की जाती थी तो साल के अंदर दो ही फसल होती थी, लेकिन वो फसल इतनी पौष्टिक फसल होती थी जिसके खाने को बड़ा स्वादिष्ट होता था खाना भी। लेकिन आज क्या है, आज हम एक एक साल के अंदर जो किसान भाई है आज एक एक साल के अंदर तीन तीन चार चार फसल ले रहे हैं। तो आज इतनी टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो चुकी है कि हमारी जो फसल है उस पे जो कीटनाशक है जो पेस्टिसाइड है उसका इतना साइड इफ़ेक्ट हो रहा है जो हमें नुकसानदायक है। जो हमारी फसल हो रही है वो आज हम अगर हम कोई आप तोरी बोते हैं या घिया बोते हैं अगर उसकी कोई क्रॉप करते हैं तो आप देखते हो कि अगर आपने आज की है तो 2 महीने के अंदर ही हमारी फसल उत्पादन वृद्धि कर पाती है, क्योंकि आज की डेट में जो किसान जो कर रहा है वो अपने साथ इतना बड़ा धोखा मतलब वो खुद भी खा रहा है। तो मैं आपको यही समझाना जा रहा हूँ दोस्तों, बस चाहे एक साल के अंदर दो खेती करें तीन खेती करें एक ज़्यादा अधिक खेती भूमि के साथ, ये भी एक हमारी जो भूमि है इसके साथ भी एक अत्याचार हो रहा है, क्योंकि हमारा जो कीटनाशक जो दवाई होती है जो इसका साइड इफ़ेक्ट जो हमारा भूमि पे जो सोयल के अंदर जो पड़ रहा है उसका हमें नुकसान बहुत हो रहा है। हम सोचते हैं कि साइड जो पेस्टिसाइड जो कीटनाशक जो रासायनिक जो दवाई होती है उससे हम अपनी फसल का वृद्धि कर रहे हैं और हम उसको ज़्यादा उत्पन्न कर पा रहे हैं और इससे ज़्यादा हम उत्पादन कर पा रहे हैं, तो ये हमारी भूल है। तो वो उत्पादन तो होगा, जितने भी टेक्नोलॉजी रासायनिक पदार्थ जितने भी अब तक जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनसे हमारी खेती तो उत्पन्न होती है, हमारी पावर बढ़ती है, हमारी खेत की जो पावर होती है जो हमारी उत्पादन जो क्रॉप्स का जो उत्पादन होता है वो तो हमारा होता है। लेकिन आपने एक चीज़ सोचिए, मैं किसान भाइयों से यही कहना चाह रहा हूँ, आपको एक चीज़ सोचो, जो हम हमारी खेत के अंदर जो उर्वरक जो वृद्धि है आपसे एक अध्ययन के अंदर पाया गया है कि जो हमारी फसल जो 97% जो 50% उर्वरक पहले हमारी जो उर्वरक जो शक्ति हमारी उर्वरक जो शक्ति हमारे अंदर जो हमारी जो हमारी जो जो सोयल के अंदर ऐसे कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारी फसल जो प्लांट हमारी सोयल हमारी खेती को डेवलप करते हैं। जैसे आपका जिंक है, जो हमारा जिंक है वो हमारी सोयल के अंदर पाया जाता है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है,
तो जितना भी ये हमारी है, जितने भी हमारी ये सोयल के अंदर जितने भी हमारे ये उर्वरक जो शक्ति है हमारी, जो हमारी 97% किसान लोग आज जो पेस्टिसाइड का जो प्रयोग कर रहे हैं, 97% कीटनाशक मतलब पेस्टिसाइड प्रोडक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, वो फसल के साथ, एक फसल के साथ इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा जो अत्याचार हमारी भूमि पे हो रहा है। आप एक सिंपल, एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो पेस्टिसाइड जो हमारा जो हमारे जो आ रहे हैं उसके अंदर सब एक एल्कोहल के, एक एल्कोहल होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। आप एक चीज़ सोचिए, जब हम जो हमारे जो वृद्धि हमारी हमारी जो क्रॉप्स हो रही है, जो हमारा प्लांट जो हमारा उभर रहा है, जो हम अपनी जो हम खेती कर रहे हैं, जो हम खेती कर रहे हैं, जो हमारा जो पेस्टिसाइड हम डाल रहे हैं, क्या वो हमारे प्लांट के अंदर कुछ उसकी जो उसकी जो जो उसकी जो कीटनाशक जो क्षमताएं हैं वो कुछ रहेगी नहीं? तो दोस्तों यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आज जो है मैं किसान लोगों से, किसान भाइयों से यही मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो आप 97% जो आज वृद्धि जो कम होगी है हमारी उत्तर प्रदेश पूरे वर्ल्ड के अंदर, हमारी जो भूमि की जो उत्पादन जो क्षमताएं है, जो हमारी वृद्धि है, हमारी जो फसल है जो उत्पादन हो रही है, जो 100% 97% जो 98% होती थी, आज वो उसकी गिरावट, आज जो हमारी फसल की जो गिरावट, आज जो हमारी जो फसल है वो उसकी जो गिरावट है, जो हमारी सोयल का जो पीएच मान है, जो जैविक जो उर्वरक जो क्षमताएं हैं वो जो कम हो रही हैं, वो 97% मतलब 20% आपकी कम हो चुकी है। किसका प्रयोग करके? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ किसका प्रयोग करके, आपको कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके। मैं ये नहीं कहता कि दवाई आपको डालनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता डालनी चाहिए अपनी फसल को, जो कीटनाशक जो हमारे जो कीट लगे हुए हैं, जो हमारे जो फंगसाइड जो फंगस होते हैं, कीटनाशक डालनी चाहिए, लेकिन उसका प्रयोग अधिक ना करें। पेस्टिसाइड जो कीटनाशक दवाइयों का होता है उसका प्रयोग कम करें। जो सबसे पहले हमारी जो भूमि है, हमारे भूमि के अंदर खेती बोने से पहले हमें जैसे हमारा गोबर खाद होती है जो सबसे पौष्टिक खाद होती है, डेफिनेटली इतनी पौष्टिक खाद होती है जो हमारी जो शक्ति है, जो हमारी जो सोयल है, अगर जो हमारी जो सोयल है, ये हमारी सोयल है, ये मट्टी है, अगर आप इसके अंदर अगर आप इसके अंदर गोबर की खाद या कैचवे की खाद अगर आप इसको डालते हैं, तो जो इसकी जो इसके जो पदार्थ है, जो इसकी जो शक्ति है, जो पदार्थ है पाए जाने वाले, वो पदार्थ उत्पन्न हो जाएगी। तो सबसे पहले खेती के अंदर कीटनाशक का प्रयोग ना करके सबसे पहले अपनी फसल, कोई भी फसल, क्रॉप्स अगर आप बोना चाह बोते हो, तो सबसे पहले अपने खेत के अंदर गोबर की खाद, आप उर्वरक जो गोबर की खाद या कैचवे की खाद अपने अंदर हेक्टेयर के द्वारा आप अपने खेत के अंदर आप मिला सकते हो। जब देखो आपकी जो पैदावार है, जो आपकी जो फसल है उसके अंदर जो कीट है वो भी भागना चालू हो जाएगी, क्योंकि जो शक्ति है, जो मतलब जो अंदर से जो डेवलप हो रही है, जो शक्ति जो डेवलप हो रही है खेत के अंदर, जो भूमि है, सोयल का जो पीएच मान है, जो हमारी सोयल है, उसका एक डेफिनेटली अलग ही मज़ा आएगा जब आप खाद डालोगे। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सोयल है, आप अगर क्रॉप्स कोई भी बोना चाहते हो, तो पेस्टिसाइड का प्रयोग कम से कम करें। और दूसरी बात, आप पेस्टिसाइड जो भी कीटनाशक दवाई होती है, इसका इंसान पे भी बहुत इफेक्ट होता है। रिलेशन ऑफ द फार्मर ऑफ द आपका पेस्टिसाइड, जो रिलेशन है इनका किसान और पेस्टिसाइड का बहुत संबंध है। इसका किसान पे जो साइड इफेक्ट होता है, जो दवाई आ रही है, आप एक चीज़, आप सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, जो आप दवाई लगा रहे हो खेत के अंदर, जो दवाई लगा रहे हो, या आप पे साइड इफेक्ट नहीं मिल रहा, जब वो पेस्टिसाइड आप जो खेती के अंदर डाल रहे हो वो उसे मार सकती है, जो एक फंगसाइड को मार सकती है, जो इतना खतरनाक जो एल्कोहल जो उसमें डल रहा है, जो केमिकल उसके अंदर जो डल रहा है, वो आप पे साइड इफेक्ट नहीं करेगा। किसान भाइयों, आपको भी इसका एहतियाती करनी चाहिए, इस पर आपको
जो साइड इफेक्ट जो आपको आपके ऊपर जो होता है आपकी त्वचा त्वचा के अंदर आपको झुलसे वाला रोग आपको कोई लग जाता है, आपको दम्मा हो जाता है, आपको खांसी हो जाती है, आपको एलर्जी हो जाती है या आपको अटैक होता है, तो उसकी जो खुशबू जो हमारी जो उसकी जो महक होती है, जो हमारी जो पेस्टिसाइड जितने भी हम जो भी हम डालते हैं तो उसका जो होता है वो हमें भी इफ़ेक्ट डालता है, हमारी कोई बहुत सारी बीमारियों से हमें उत्पन्न करता है। जो हम फसल खाते हैं या उस जो है वो कुछ पाता नहीं है तो उसका भी हमें बहुत नुकसान पहुँचता है। तो दोस्तों और मेरे किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, तो मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूँ, मैंने यही आपको समझाया है कि आप भूमि के अंदर कम से कम पेस्टिसाइड का प्रयोग करें, और दोस्तों और भूमि के अंदर जैविक खाद का प्रयोग करें, जो हमारा गोबर की खाद है, हमारा कीट जो वैसा तुम्हारा चूहे इसकी खाद है, तो इनका प्रयोग सबसे अधिक करें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अगर हमारी अच्छी लगी हो और अगर आपको किसान भाइयों को अगर ये समझ में आया हो तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी जो फसल है उस पर बहुत ध्यान दीजिए और कीटनाशक मतलब पेस्टिसाइड का कम से कम प्रयोग कीजिए, और इसके अंतर्गत जो भी आप अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हो, अच्छी से अच्छी फसल अगर आप करना चाहते हो तो आप गोबर की खाद अपनी फसल को अच्छी तरह से देखभाल करें। मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इमरान सिंह।